सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकॉन सो नेवर मिस एनी अपडेट फ्रॉम लाइव वाइंस। हेलो दोस्तों, अगर हम बाइक लेने की बात करते हैं तो सबसे पहले जो मन में ख्याल आता है कि कितने सीसी की बाइक लें, तो जो सबसे अच्छी बाइक आती है और सीसी की बात करते हैं तो 125 की सीसी की जो बाइक्स आती हैं वो सबसे बेस्ट होती हैं और वो आपको ऑन रोड पे आपको काफ़ी कंफर्टेबल रहती हैं और ज़्यादातर बाइकें आपको 125 सीसी में ही मार्केट में अवेलेबल मिलेंगी, जो कि कंपटीशन में आम आदमी के लिए मायने रखती हैं। तो आज हमारे साथ है ऐसी एक गाड़ी जो 125 सीसी में बेस्ट बाइक है और आज हम करेंगे उसका रिव्यू, तो हमारे साथ बने रहिए। दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और स्वागत करता हूं आप सभी का लाइव वाइंस में। तो चलिए शुरू करते हैं होंडा सी वी साइन का रिव्यू। स्टार्ट करते हैं अगर हम इसके लुक से, तो लुक जो है वो काफ़ी मॉडर्न लुक बनाया गया है और इसमें जो है वो इसमें 3D ग्राफिक्स यूज किए गए हैं जो कि इसको एक मॉडर्न अपील देते हैं और यूथ के लिए काफ़ी अट्रैक्टिव बनाते हैं। वहीं अगर हम इंजन की बात करते हैं तो इंजन जो है वो 125 सीसी का एयर कूल इंजन दिया गया है जो रिफाइनमेंट के मामले में काफ़ी बेहतर है और आपको एक बेहतर राइड क्वालिटी देने के लिए सक्षम है। अगर हम इसके साइड में देखते हैं तो हमें इसमें साइनिक क्रोम कार्बोरेटर कवर देखने को मिलता है जो कि इसके लुक को 4 चांद लगाता है। साथ ही इसके साइलेंसर पर दिया गया क्रोम फिनिश मफलर जो है वो भी इसके लुक को काफ़ी अट्रैक्टिव बनाता है। होंडा सी वी साइन में कॉम्बे ब्रेक सिस्टम दिया गया है जिसके तहत आप कम दूरी में काफ़ी अच्छी ब्रेक लगा सकते हैं और वो भी स्टेबिलिटी के साथ। तो अगर हम बात करते हैं लुक की, तो ओवरऑल जो लुक है वो काफ़ी अट्रैक्टिव बनाया गया है यूथ के लिए और सभी लोगों के लिए। तो चलिए हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं और बताते हैं आपको इसकी आवाज़ वगैरह कैसी है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं आवाज़ जो है इसकी काफ़ी स्मूथ टाइप की है, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि काफ़ी हैवी बाइक आप चला रहे हैं। तो चलिए ड्राइव करते हैं और देखते हैं कैसी है। जैसा कि होंडा सी वी साइन में 125 सीसी का एयर कूल्ड इंजन दिया गया है जिसमें कि मैक्सिमम पावर जो है वो 7.58 at 7500 RPM पर है। वहीं अगर मैक्सिमम टार की बात करते हैं तो 10.30 Nm at 5500 RPM पर है जो कि इंजन को एक बेहतर पावर देने के लिए हैं, जिसकी वजह से जब आप राइड करेंगे तो आपको वाइब्रेशन फील नहीं होगी और अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस कवर करते हैं तो काफ़ी कंफर्टेबल रहेंगे आप और एक स्टेबल रन आपको मिलेगी। अगर हम बात करते हैं पिकअप की, तो होंडा सी वी साइन में पिकअप जो है काफ़ी अच्छा दिया गया है जिसकी वजह से आप 0 to 60 km/h जो है केवल 7 सेकेंड में जा सकते हैं जो कि कंपनी क्लेम करती है, और अगर हमने राइड किया तो हमने ये फील भी किया। जैसा कि इसमें सुपीरियर हेड का इंजन दिया गया है जो कि इसे और भी पावरफुल बनाता है और राइड क्वालिटी के समय आपको ये चीज़ें महसूस भी होंगी। वहीं अगर हम माइलेज की बात करें तो कंपनी ने माइलेज में भी कमी नहीं की है और माइलेज जो है 65 km/h रखा गया है जो कि काफ़ी अच्छा है, बेहतर है 125 सीसी बाइक के साथ। और जो इसका फ्यूल टैंक है, फ्यूल टैंक उसका 10.5 लीटर है तो वो भी बेहतर ही है। अगर आप लंबी राइड करना चाहते हैं तो आपको बार बार रिफ्यूल कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। होंडा सी वी साइन जो है स्मार्ट डिज़ाइन और सॉलिड बिल्ड के साथ 125 सीसी की बाइक्स में कंपटीशन में काफ़ी आगे निकल जाती है। साथ ही इसका क्लीन और क्विक पिकअप रिस्पॉन्स जो है वो इसे और भी बेहतर बनाता है। अगर बात करें ग्राउंड क्लियरेंस की, तो ग्राउंड क्लियरेंस 157 रखा गया है जो कि काफ़ी बेहतर है। तो दोस्तों, ये था होंडा सी वी साइन का रिव्यू। कैसा लगा आप लोगों को ज़रूर बताइएगा और अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इससे क्या होता है, हमें एक सपोर्ट मिलता है, हमें ये लगता है कि लोगों को वीडियो पसंद आ रहे हैं और हम उस हिसाब से वीडियो बनाते हैं। तो अगर आपको और भी बाइक्स वगैरह का देखना हो, रिव्यू देखना हो, तो आप हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं, हम कोशिश करेंगे आपको उन बाइकों का रिव्यू दिखाने का। थैंक यू फॉर वॉचिंग लाइव वाइंस।